डिस्ट्रिक्ट कठुआ की भारी मल्हार के ब्लॉक दुकान में आज 4 दिन से प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है। देख सकते हैं आप लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, अभी जोरों शोरों से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। जनता आज चौथे दिन भी प्रोटेस्ट पे है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे पास यहाँ कोई नहीं आया, ना ही BDC दुगैन से कोई आया, ना ही DDC लुहाई मल्हार से कोई आया। शायद बांजल बटवाल की जनता ने उनको वोट नहीं दिए हैं, या वो ये नहीं मानते हैं कि वहां के लोग भी वोट देते हैं या नहीं देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा इशू है कि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बांजल में पोस्टें जो हैं वो वेकेंट हैं, सिर्फ 1/4 क्लास एम्प्लाई काम कर रहा है। बड़े शर्म की बात है, किसके आगे गुहार लगाएं? आप देख सकते हो ये बुजुर्ग, इनकी हालत भी आज खराब हो गई है। आप कैमरे में देख सकते हो हालात बड़े खराब हैं, और ये बुजुर्ग लोग, आज इनके हाथ में घंटी है। क्यों ये घंटी बजा रहे हैं? इसलिए घंटी बजा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भारी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन को जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। देखो ये क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बांजल में पोस्टें वेकेंट हैं, सिर्फ 1/4 क्लास एम्प्लाई काम कर रहा है, और बांजल बटवाल के अंदर एक सब सेंटर आता है सारला, वहां से ये फार्मेसी असिस्टेंट को उठा के न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगा रहे हैं। तो जो हमारा इलाका बांजल का है, जहां पे सब सेंटर है, वहां पे कौन लगाया इन्होंने? वहां पे जो हमारे फार्मेसी असिस्टेंट है उनको वहीं रखो। क्यों ऐसा हमारे जनता को गुमराह कर रहे हो? हमें न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बांजल की पूरी पोस्टें फिलअप करो। देखो मैं तो डेमोक्रेसी को मानता हूं, हम समझते भी हैं, हम वोट भी देते हैं, लेकिन ना BDC ना DDC और भारतीय जनता की पार्टी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहां से लोगों ने जिताया है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ से भी लोगों ने तो वोट दिए हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों को हक नहीं मिलेगा? न्यू हेल्थ का इशू है, दिल्ली में कुछ होता है तो ये वहां डॉक्टर्स तैनात करते हैं, बिलावर में कुछ होता है बिलावर के लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत है, क्या बांजल बटवाल में सिर्फ 1/4 क्लास एम्प्लाई काम करेगा न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बांजल में? शर्म आती है, किसके आगे रोएं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपको भी जनता ने वोट दिए हैं, हमारी बात तो सुनो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जनता ने इसलिए थोड़ी ना वोट दिए हैं कि आज बुजुर्ग लोगों के हाथ में, जिनको वैक्सीनेशन होनी थी उनके हाथ में घंटी है। शर्म आती है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, अगर हमारी आवाज, हमारी जनता की आवाज अगर आप सुन रहे हो तो हम छोटी सी गुहार लगाते हैं कि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बांजल में पोस्टें फिलअप करो, सब सेंटर सारला में जो पोस्टें वेकेंट हैं उनको फिलअप करो। अगर पोस्टें फिलअप नहीं होती हैं तो ये जनता दिन रात प्रोटेस्ट पर बैठी रहेगी, धरने पर बैठी रहेगी। आप देख सकते हो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इंजेक्शन कौन लगाएगा? यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, सारी की सारी पोस्टें वेकेंट हैं, ये बुजुर्ग बेहोश हो गए हैं, इनका इलाज कौन करेगा? पंच भी हमारे साथ बैठे हैं, एक दो तो कह रहे थे कि हमें बुखार हो गया, हम किसके पास रोएं? वो भी तो चला रहे हैं, जब हम DDC को पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। BDCO को कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश जारी है, हमारी कोई सुनाई नहीं है। इन पंचों या सरपंचों ने क्या गुनाह करा है? डेमोक्रेसी में टेक पार्ट करा है, लोगों से वोट लिए हैं, और आज वो भी बेचारे बंधक बनके हमारे बीच बैठे हैं, उनकी तो फिक्र करो। क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम दिन रात प्रोटेस्ट पे ही बैठे रहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट, देख सकते हैं आप, जनता में खुश है कि जिन घर में बैठने का समय है, देख सकते हैं सफेद कपड़े पहनकर आज बुजुर्ग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, उनकी दाढ़ी बाल तो सफेद है लेकिन कपड़े भी सफेद हैं। देख सकते हैं आप, आज महिला भी प्रोटेस्ट पर बैठी।
हैं। कठुआ इलेक्शन का समय आता है तो यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता आते हैं। पिछले जब ये इलेक्शन हुई तो यहाँ पर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने कहा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे मिले। जब धारा 370 तोड़ी तो बोलते थे कि जम्मू कश्मीर में हम चार चांदनी लगा देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जनता कितनी परेशान है। जनता आज भी प्रोटेस्ट में है, देख सकते हैं आप खुद कि इतने आज इनकी क्या उम्र है, घर बैठने का समय है लेकिन प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आज ये बुजुर्ग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और सीएमओ साहब कहते हैं कि ये लोग मरते हैं तो मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।